वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स और फिजिकल फेजेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इट इज ऑफ 8 टाइप्स: सोल, जेल, फोम, इमल्शन, दो बार सॉलिड सॉल्यूशन और दो बार बेटे एरोसोल। तो वहाँ एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता था बेटा, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हाई? बिकॉज गैस डिजोल्ड इन गैस इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विच इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, व्हाइल कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज व्हाई गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कॉमन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन सोल, जेल एंड इमल्शन, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इमल्शन को और सोल को बेटा। देन टाइप्स ऑफ सोल बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इट इज ऑफ वेरियस टाइप: एक्वासोल, आल्सो नोन एज हाइड्रोसोल, बेंजोसोल, अल्कोसोल, एरोसोल एंड सोन बेटा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स या नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, मतलब एग्जिस्ट बिटवीन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और कंस्टिट्यूएंट्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, लायोफिलिक सोल। नंबर टू, लायोफोबिक सोल। दो प्रकार का होता है बेटा। लायो मीन्स लिक्विड विच मे बी वाटर बेटा और अल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रोप। फिलिक मीन्स अट्रैक्टिंग, और लविंग और लाइकिंग और सीकिंग। लायो मीन्स अगेन लिक्विड विच मे बी वॉटर, अल्कोहल, एसीटोन, ईटीसी। फोबिक मीन्स हेटिंग, रिपलिंग, डिसलाइकिंग। व्हेन डिस्पर्शन मीडियम इज वॉटर देन लायोफिलिक सोल आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक। जब डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो, हाइड्रोफोबिक जब डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो, हाइड्रोफोबिक बेटा सोल बेटा। सो नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल, तो डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का होता है, यदि उसकी कोई डेफिनेशन है तो लायोफिलिक सोल क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सोल इन विच डिस्पर्स्ड फेज अट्रैक्ट्स डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज लाइक्स डिस्पर्शन मीडियम, वाइल इन लायोफोबिक सोल इट इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सोल इन विच डिस्पर्स्ड फेज हेट्स और डिस्पर्स्ड फेज रिपल्स, RIPELS, रिपल्स डिस्पर्शन मीडियम इज नोन एज लायोफोबिक सोल। सेकेंड पॉइंट बेटा, इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है और वी कैन से क्वाइट स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल होता है भाई। दिस इज अनस्टेबल बेटा, ये अनस्टेबल होता है। स्टेबल है ये बहुत ज़्यादा, इट डज नॉट नीड
it does not require, does not need stabilizing agent. इसको stabilizing agent की जरूरत नहीं होती. और ये unstable है बेटा, it needs stabilizing agent बेटा. It does not easily coagulate. It cannot be coagulated easily, precipitated easily. क्योंकि stable है तो आसानी से इसकी precipitate नहीं बनेंगे, इसकी आसानी से precipitate. It can be coagulated or flocculated or precipitated easily बेटा. It is mostly prepared from organic substances. Lyophilic soil है, ये mostly organic compound से बनता है. Lyophobic soil, it is mostly obtained from or prepared from or derived from inorganic substances. Lyophilic soil is reversible while lyophobic soil is irreversible. So next beta example, lyophilic soil, starch soil, gum soil, gelatin soil, cellulose soil, protein soil, enzyme soil, starch soil, etc. beta, rubber soil, lyophobic soil, sulfur soil, gold soil, copper soil, silver soil, platinum soil, nickel sulfide soil, cadmium sulfide soil, arsenic sulfide soil, antimony sulfide soil, Fe2O3 into XS2O, hydrated metal oxide soil, CrO3 chromium trioxide hydrated soil, Al2O3 into XS2O beta soil. Etc. beta. These are some example of lyophobic soil. Question बिल्कुल आ सकता है बेटे competitive exam में, which is lyophobic soil. एक example इनमें से हो, तीन इनमें से हो बेटे, या दो example इनमें से हो, तीसरा बहुत हो, बहुत आएगा बेटा. तीन example ये हो, एक नन हो, तो फिर lyophobic soil में नन आएगा बेटा. इसी तरह से ये बेटा, this is very important बेटा, lyophilic soil and lyophobic soil. Lyophilic soil is also known as hydrophilic soil when dispersion medium is water. Lyophobic soil is also known as hydrophobic soil when dispersion medium is water. Lyophilic soil protective होते हैं बेटा, ये protect करते हैं lyophobic soil को electrolyte से बेटा, क्योंकि जब हम lyophobic soil में electrolyte add कर देंगे तो coagulation हो जाएगा बेटा. ये आगे हम पढ़ेंगे, ये protective soil है बेटा. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज बेटा. डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल कैसा होता है बेटा, तीन टाइप के होते हैं बेटा. नंबर वन मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स.
मल्टी मोलिकुलर कोलाइड क्या होते हैं बेटा? ऑन डिजोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मोलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल रेंज नोन एज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। इसकी प्रॉपर्टी लगभग वही होती हैं जो लायोफोबिक सोल की होती हैं, इरिवर्सिबल होता है, अनस्टेबल होता है, इट नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, इट कैन बी कोगुलेटेड ईजली एंड इट इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नंबर टू है बेटा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। बेटा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक सेलुलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स, जिलेटिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ईटीसी, सोल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन इन विच दीज मैक्रोमोलिक्यूल मे बी इन कोलाइडल रेंज। सच सिस्टम इज नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन विद मैनी प्रॉपर्टीज। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड की प्रॉपर्टी लगभग लायोफिलिक सोल जैसी होती हैं, जैसे रिवर्सिबल है, लायोफिलिक सोल भी रिवर्सिबल है, क्वाइट स्टेबल हैं, लायोफिलिक सोल भी क्वाइट स्टेबल होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड भी क्वाइट स्टेबल हैं। इट डज नॉट नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, इट कैन नॉट बी कोगुलेटेड ईजली और प्रेसिपिटेटेड और फ्लोकुलेटेड ईजली। इट इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटे वही लायोफोबिक सोल वाले, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, कॉपर सोल, सिल्वर सोल, इट एक्सेट्रो, स्टार सोल, गम सोल, जिलेटिन सोल, सेलुलोज सोल, प्रोटीन सोल, एंजाइम सोल, रबर सोल एक्सेट्रो। बेटा थर्ड है बेटा मिसिल्स। बेटा मिसिल्स को ही एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। बेटा दूसरे से जल का मतलब पानी होता है बेटा, मिसिल्स का मतलब है एसोसिएटेड कोलाइड्स। बेटा सम सब्सटेंसेस लाइक सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट एट लो कंसेंट्रेशन एक्ट एज ट्रू सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाइल द सेम सब्सटेंसेस एट हायर कंसेंट्रेशन एक्ट एज एग्रीगेटेड पार्टिकल एंड दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल आर नोन एज मिसिल्स एंड मिसिल्स आर आल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट को हम कम अमाउंट में डालते हैं बेटे वाटर के अंदर तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, और वही सब्सटेंस जब कंसंट्रेशन ज़्यादा डालते हैं इनकी बेटा तो उस समय ये एग्रीगेटेड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जिसको मिसिल्स कहते हैं। मिसिल्स को ही हम एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं बेटा। एंड फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स अकर्स ओनली अबो ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नोन एज ए CMC क्रिटिकल मिसिल्स कंसंट्रेशन। सोप्स के लिए 10^-4 से 10^-3 मोल पर लीटर होती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स अकर्स ओनली अबो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर TK से लिखते हैं बेटे क्राफ्ट टेम्परेचर को, टी और के सुन क्राफ्ट टेम्परेचर, ये क्राफ्ट टेम्परेचर है और एक है CMC बेटा क्रिटिकल मिसिल्स कंसंट्रेशन। सोप के लिए 10^-4 से 10^-3 कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर होती है बेटा फॉर सोप्स। बेटा मिसिल्स में कंटेन एज मैनी एज मोलिक्यूल नियरली 100 और मोर। बेटा 100 भी मोलिक्यूल होते हैं एक मिसिल्स में और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा। तो मिसिल्स की हम स्ट्रक्चर देखना चाहें बेटा C17H35COONa, ये है बेटा सोडियम स्टीरेट, हार्ड सोप है बेटा, ये वाशिंग सोप बोलते हैं बेटा, पोटेशियम का सोप होता है। तो इसको जब हम वाटर में डालते हैं बेटा तो ये टूट जाएगा, एक तो स्टीरेट आयन बेटा आयन में और एक बेटा सोडियम आयन। इसको हम ध्यान से देखें बेटा स्टीरेट आयन को,
तो इसमें दो चीज़ें हैं बेटा, एक C17H35 कैसे दिखा दो बेटा, और एक COO- बेटा, ठीक है। इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे दिखा देंगे बेटा C17H35 बेटा C00 और ये बेटा, ये तो क्या है बेटा, दिस इज लायोफोबिक पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये है नॉन पोलर टेल बेटा, ये नॉन पोलर टेल है, वाटर रिपलिंग है ये, और ये है बेटा लायोफिलिक हेड, लायोफिलिक पार्ट बेटे या हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये पोलर हेड बेटा, पोलर हेड, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा बेटा। तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल को, डस्ट, डर्ट को, डस्ट को बेटा, ग्रीज को, एंड दिस पार्ट अट्रैक्ट्स वाटर एंड रिपल दीज, दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कहो, मिसेल्स कहो, सिंथेटिक डिटर्जेंट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। और इसको ध्यान से देखना चाहें बेटा तो ऐसे देख सकते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये बेटा मतलब वही बात फिर आ गई बेटा, दिस इज लायोफोबिक पार्ट यानी नॉन पोलर टेल, दिस इज बेटा लायोफिलिक पार्ट, पार्ट पोलर हेड बेटा। और आयनिक मिसाइल्स की बात करें बेटा तो ऐसे दिखा देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आयनिक मिसाइल्स की बात करते हैं बेटा तो इसको ऐसे दिखा देते हैं बेटा, ये आयनिक मिसाइल्स हो गए भाई, आयनिक मिसाइल्स। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी हो गया है, सिंथेटिक डिटर्जेंट को हो या मिसाइल्स को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी स्ट्रक्चर भी हो गई है बेटा, टाइप्स भी हो गए हैं। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।